हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। तो गाइस आप सब लोग बड़े होंगे। तो गाइस एक गेम प्ले रहने वाला है लीडर बोर्ड डुओ रैंक पुशिंग का, तो आपको देखने में बहुत मजा आएगा। और आपने आगे मॉन्टेज में देख लिया होगा कि तुम्हारे मैंने कैसे तबाही मचाई, मतलब उड़ उड़ के मारने वाला है। तो गाइस आपको पूरा मतलब फन इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा, तो आप वीडियो पूरा देखना। और आप हमारे यूट्यूब चैनल हो तो मेक श्योर लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यहाँ पे बीजीएमआई के रिलेटेड आपको सारे कंटेंट देखने को मिल जाएंगे। तो जल्दी से सब्सक्राइब करो। और देखो गाइस यहाँ पे हमारे साथ क्या सीन होता है, मतलब पहले ही देखो सस्ते नशे बीजीएमआई के। तो पता नहीं है गाइस मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, बार आपको होता है कि नहीं होता, मेरे को कमेंट करके बताना। अरे मुझे चक्कर आने लग गए अब। और वेंचर देखो यहाँ पे तो मेरे को पूरा चक्कर आने लग गए थे, लेकिन गाइस तुम्हारा भाई सेफली लैंड कर चुका है। अब देखो बंदूक कैसी बाट लगाते हैं, तो हमको यहाँ पे उतरते गन तो नहीं मिलती, ऊपर जाके फिर गन मिलेगी आराम से। और यहाँ पे मेरी पिंग मतलब हाई थी, तो मेरी गन में लेके मैं टीम में लेके भाग गया, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। अपन मारेंगे बंदों को, तो वीडियो देखो आगे। अब गाइस काफ़ी ज़्यादा लूटने के बाद हमको फाइनली M4 और 6X मिल जाता है। और यहाँ पे एक बंदा था जो उड़ के जा रहा था, जो इसको गोली नहीं लगने वाली थी, फिर भी अपन ट्राई कर रहे थे। और गाइस यहाँ पे ना एक दो ही डू आती थी जो आपस में लड़के मर गई थी। अब यहाँ से एक डांसियाँ निकलती है, देखो कैसे उतर दी इसको एक बंदे को। तो गाइस इसको ईजिली हेड मार के गिरा दिया, अब इसको मतलब फिनिश भी कर लेंगे, वरना किल चोरी हो जाएगा हमारा। अब गाइस इसको मारने के बाद आगे बंदे थे जो लड़ रहे थे आपस में, तो हम बीच में थर्ड पार्टी करने जाते हैं, लेकिन हमको वहाँ से किल नहीं मिलते, सिर्फ एक ही किल मिलेगा, एक किल मेरे टीममेट को मिल जाता है। अब गाइस यहाँ पे ना मैं प्रीफायर दे जा रहा था, क्योंकि बंदा वहीं पे था, लेकिन मैं नेट बॉन डालता तो वो आगे चला जाता है, और मेरे को यहाँ पे पीछे से डीपी पड़ती है। अब यहाँ पे एक किल मेरे टीममेट को मिल गया, अभी इसको बंदे को मैं मार दूंगा। अब मेरा टीममेट नॉक हो जाता है यहाँ पे शायद से। तो गाइस फाइनली इस बंदे को भी हमने नॉक कर दिया, और इसने मेरे टीममेट को नॉक कर दिया, तो मेरे टीममेट को रिवाइव देना पड़ेगा। और जो डीपी वाला मारते हैं ना गाइस, इनको ढूंढने के जाते हैं, लेकिन वो मिलता नहीं हमको, तो हम वहाँ से निकल जाएंगे फिर। अब गाइस यहाँ पे डीपी वाला बंदा तो मिलता नहीं हमको, तो हम यहाँ से निकल जाएंगे हमारा कैप्सूल फेंक के। अब गाइस हम वहाँ से ना पोचिंग के आते हैं, और हम पोचिंग में जैसे आते हैं वैसे कोई बंदा शरम को एक्टिव करता है, तो हम इधर मतलब उसके फाइट लेने जाते हैं सीधा। तो हम यहाँ पे पहले बग्गी हमारी पार्क करते हैं, अब सीधा उड़ के जाएंगे। तो यहाँ पे गाइस ये 1v2 देखो, अगर 1v2 अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। तो मैं गाइस सीधा बंदों के मुँह पे उड़ के जाता हूँ, देखो आगे। तो आपको ये 1v2 कैसा लगा मेरे को कमेंट करके बता देना। यहाँ पे मेरे टीममेट का मैं एक किल चोरी कर लेता हूँ, लेकिन मेरे को बुरा नहीं लगा। मेरे को बुरा इस बात का लगा कि इस बंदों ने ड्रैगन बॉल बोला, लेकिन विश नहीं मांग पाए, और विश हमने आके मांग लिया, तो मेरे को इसी बात का बुरा लगा। बाकी आपको कैसा क्लच कैसा लगा मेरे को कमेंट करके बताना।
अपार्टमेंट भी है। Watch out! अब गाइज हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे एक बंदा उड़ के आता है, तो देखो इसके साथ हम फाइट कैसे लेते हैं। अब गाइज इस बंदे ने M249 से मेरे टीममेट को पूरा नॉक एंड फिनिश डाल दिया, तो मैं इसको ऐसे ही छोड़ देता हूँ, मेरा टीममेट आके उसको मार देगा। अब यहाँ पे मैं हिल करता हूँ। अब गाइज यहाँ पे एक यूएस जाती है जिसको मैं मतलब गिरा तो नहीं पाता, लेकिन देखो उनको कैसे मारते अपन। तो गाइज यहाँ पे मैंने स्प्रे हक दिया, आप कुछ भी बोल सकते हो, यहाँ पे हमने बहुत गंदा हक दिया कि बंदे को मतलब थोड़ा सा डैमेज हुआ, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो तुम्हारा भाई कैसे मारते हैं इन बंदों को उड़ के, पहले तो अपन हिल कर लेंगे आराम से। अब गाइज वो बंदे ना USZ वाले इधर रुक जाते हैं, तो मैं यहाँ पे आके नेड मोड़ डाल रहा था, लेकिन इनसे कुछ होता नहीं इन बंदों को, तो मैं फिर से तरह गाइज उड़ के जाता और फिर मार देता उनको। अब गाइज आपको एक क्लच कैसा लगा मतलब 1v2, आप मेरे को कमेंट करके बता देना कैसे उड़ के हमारा काम है। यहाँ से इस बंदों को कुछ भनक भी नहीं लगेगी, बंदे ने हमको कहाँ से मारा, डेथ रिप्ले देखेंगे फिर पता चलेगा इनको। खैर छोड़ो उनको पता लगे या ना लगे, लेकिन मेरे को एक बात पता है कि आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, तो जल्दी से कर दो, क्योंकि आपको यहाँ पर सारे कंटेंट देखने को मिल जाएगा BGMI के रिलेटेड, तो जल्दी से कर दो। अब देखो गाइज वहाँ से ना हम उड़ के इधर आते पोचिंग में, और पोचिंग में यहाँ पे एक बंदा था, तो गाइज वो हम पे नेट डाल रहा था और मेरे को उसकी पोजीशन पता चल जाती है। अब इसको मैं नॉक कर देता हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं खुद नॉक हो जाने वाला हूँ अभी। तो गाइज यहाँ पे मैंने हक दिया, मैंने इसको मतलब दो हेड मारा, लेकिन ये बंदा मरा नहीं, पता नहीं क्यों नहीं मरा, लेकिन मेरा टीममेट जिंदा था तो मेरे को बचा लिया। अब गाइज मैं यहाँ पे इजीली रिवाइव हो जाऊँगा, फिर इन बंदों को लूट के अपन निकल जाएंगे। ये स्क्वाड हाउस गाइज जोन में था, तो हम ये ले लेते हैं। अब यहाँ आगे की फाइट देखो यहाँ से। यहाँ पे एक USZ जा रही थी जिसको मैं मतलब बंदे को डैमेज देता हूँ, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं देते तो कुछ होता नहीं है। अब गाइज पूरा फाइट ना हम यहाँ से ही निकाल लेंगे पूरा चिकन, तो आपको देखने बहुत मज़ा आएगा। अभी USZ वाला करने क्या रहा था मेरे को पता नहीं। अब देखो उसको कैसे मारते हैं अपन, काफ़ी ज़्यादा डैमेज खा लिया था इसने। तो गाइस इस बंदे को भी भनक ले लेके तो मेरे को कहाँ से पड़ी और हमने मार दिया। अब दो गाइस आपको मैप में कुछ दिखेगा। तो गाइस यहाँ पे मेरे को ना फुटस्टेप आते बंदे के, तो मैं इधर मेरे टीममेट को बुलाता हूँ, एक बंदा और यहाँ पे कैंप करा था, आप मैप में देख ही सकते हो। मैंने गाइस पहले शैक में देखता हूँ क्योंकि वहाँ पर भी बंदा हो सकता है। तो गाइस इस बंदे का IQ देख सकते हो आप कैसे मतलब बैठा था, अगर कोई अकेला बंदा तो पूरा खा जाता, लेकिन इसको मेरे टीममेट की और मेरी डिबे साथ दोनों साथ में पड़े थे, तो बेचारा वहीं पे फिनिश हो जाता है। अब गाइस हमारे यहाँ पे 11 किल हो चुके थे। अब यहाँ पे गाइस इस बंदों के पास स्नाइपर थी, फिर मैं उंगली करता हूँ। तो देखो गाइस इस बंदों के पास स्नाइपर थी और मैं उंगली करता हूँ, तो वो मेरे को नॉक कर देते। अब देखो गाइस मैं नॉक हो चुका, तो हम पे पुश करते, लेकिन देखो कैसे मारते हैं उनको, तो मेरा टीममेट मेरे को रिवाइव देता है और वो बंदे हम पे पुश भी कर देते हैं, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी गाइस, हम रिवाइव हो जाएंगे, मतलब वहाँ से तो बहुत देर लग जाएगी, तब तक हम रिवाइव भी हो जाएंगे।
अब देखो वो बंदे आ रहे थे, मेरा टीम मेट को गिरा देगा। अब बचा एक, इसको अपन हम मार देंगे डीबीएस से। तो गाइस फाइनली इसको भी हमने मार दिया, बेचारा आके पछता गया यहाँ पे। अब इसको लूट लेंगे हम आराम से। अब गाइस इस बंदे का आप आईक्यू देखो, मतलब क्या आईक्यू लगाया था इस बंदे ने, आके सीधा गाड़ी में बैठ जाता है और मतलब काफ़ी अच्छा बंदा था, मेरे को डैमेज गंदा दे देता है। अब देख सकते हो गाइस कहाँ के बैठ गए और मेरी एचपी कितनी कर दी। तो इसको अपन मार देते डीबीएस से इजीली। अब यहाँ पे गाइस हमारे 13 किल हो चुके थे। अब गाइस ये लास्ट सर्कल था, इसके बाद मतलब डेथ जोन स्टार्ट होने वाला था, मतलब डेथ जोन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका था। अब बचे थे गाइस 6 बंदे, मतलब हमको मिला के और 4 बंदे। तो देखो आगे बहुत मज़ा आएगा आपको, मतलब मैंने कैसे उड़ के मारा है, मतलब बंदों की पोजिशन देखी, फिर देखो मैंने कैसे मारा है। अब गाइस यहाँ पे ना एक बंदा नेड़ से मर जाता है। अब 5 ही बंदे बचे थे और 2 हम मतलब 3 ही और बचे थे, 3 और। तो देखो कैसे मारते हैं यहाँ पे तुम्हारा भाई, क्या ट्रिक लगाता है देखो पहले। तो गाइस इसको मैंने नॉक कर दिया और बचे थे एक बंदा जो जोन से मर जाता है। और इसी के साथ गाइस हमारा चिकन डिनर हो जाता है 14 किल पे। तो गाइस आपको वीडियो कैसा लगा मेरे को कमेंट करके बता देना, और आपने हो तो मेक श्योर लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। तो करके बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हो कन्नी कमाल की वीडियो के साथ। प्लीज़ तो गाइस सब्सक्राइब करके जाना है, प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दो। तो बाय बाय।